अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम ही स्टूडेंट्स को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मंडे वाले दिन से उनके जो तालीमी इदारे हैं वो दोबारा से री ओपन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। इस हवाले से लेटेस्ट ट्वीट किया गया है वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब की जानिब से। उन्होंने क्या वाज तौर पर बताया है, इस वीडियो में सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। आपको पता लग जाएगा कि आपने मंडे वाले दिन से अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, तालीमी इदारों में जाना है या उनको 15 जनवरी 2023 तक मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। तो बहुत अहम वीडियो है, कंप्लीट देखें, स्किप ना करें ताकि ये अहम बात आपको पता लग सके। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपको पता है जो मौजूदा मौसमी सूरत हाल है वो सबके सामने है। धुंध बहुत ज़्यादा होने की वजह से, सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो वालदैन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि जो छुट्टियां हैं, जो विंटर वेकेशंस हैं, उनमें इजाफ़ा किया जाए। इस हवाले से अहम तरीन इजलास भी कल हुआ जिसमें ये अहम तरीन मशावरत भी की गई कि आज छुट्टियों को मज़ीद बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो जो फाइनली बताया गया है इस हवाले से ऑफिशियली और ट्वीट भी किया गया वज़ीर तालीम मुराद राज साहब की जानिब से, ये ट्वीट आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्यों वालदैन, क्यों बच्चे और क्यों उस्ताज़ा मज़ीद छुट्टियों का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि वो भी ऐसी ही कंडीशन में, वेदर कंडीशन में, यानी ऐसी ही मौसमी सूरत हाल में तालीम हासिल करने जाया करते थे और किसी किस्म का शिकवा नहीं किया करते थे। तो जो आजकल की नस्ल है वो कुछ नहीं करना चाहते और ना ही वो पढ़ाई करना चाहते हैं। और उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि आपके जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो मंडे वाले दिन से यानी 9 जनवरी 2023 से दोबारा से री ओपन कर दिए जाएंगे। तालीमी इदारों में तालीमी सिलसिले को बहाल कर दिया जाएगा। उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी ये अहम तरीन फैसला कर लिया गया जिसका नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे जो कि इस इंतज़ार में थे कि क्या वेकेशन मज़ीद बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, उनको मैं बताता चलूं आपकी जो वेकेशंस हैं उनको मज़ीद बढ़ाया नहीं जा रहा। आपने ज़रूर जो है वो मंडे वाले दिन से अपने तालीमी इदारों में जाना है, आपका तालीमी सिलसिला बहाल कर दिया जाएगा। मज़ीद इस वाले से कोई भी बड़ी खबर आती है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आपने अल्लाह हाफिज़।